दोस्तों, क्या फ्री अनलिमिटेड 5G सर्विसेज बंद हो जाएंगी? बहुत बड़ी अपडेट आई है, ट्राई को जो है बहुत बड़ी शिकायत जो है देखने को मिल रही है। तो यदि आप भी 5G का लाभ उठाते हैं कम पैसे में, यानी जो भी आपका रिचार्ज प्लान आता है और उसी में आप अनलिमिटेड 5G का लाभ उठाते रहते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दूँ कि वोडाफोन आइडिया अभी 5G का ट्रायल ही स्टार्ट करने वाला है, यानी वोडाफोन आइडिया 5G का ट्रायल स्टार्ट करने वाला है, और वोडाफोन आइडिया ने कर दिया ट्राई से शिकायत। क्योंकि ट्राई से शिकायत यह किया है कि अभी जो है इससे जो है बिजनेस पे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल जो भी अपना प्लान था वो भी 5G अनलिमिटेड जो है लॉन्च कर दिया, और जियो भी अपना फ्री अनलिमिटेड 5G दे रहा है, यानी आपको उतने ही पैसे में फ्री अनलिमिटेड यानी फ्री इंटरनेट चलाने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर सकती है, जिसकी वजह से शिकायत कर दी ट्राई से। और बताया जा रहा है कि ये फेयर पॉलिसीज, यानी जो फेयर पॉलिसीज होती है, इसके खिलाफ है, यानी आप किसी को फ्री अनलिमिटेड डाटा नहीं दे सकते हैं, वोडाफोन आइडिया कहना है। तो हो सकता है ट्राई बहुत जल्द से जल्द इसका जो है फैसला लॉन्च करेगी और बता देगी कि जो है बंद करना पड़ेगा अनलिमिटेड 5G। तो उसके लिए जो है वोडाफोन आइडिया ने एक सुझाव दिया है कि आपका जो भी 4G नेटवर्क है, यानी 4G का जो भी रिचार्ज है और 5G अनलिमिटेड मजा लेते हैं, तो 4G का नेटवर्क में ही आपको 5G डाटा मिलेगा, लेकिन उसका जो है लिमिट रहेगा, यानी जैसे आपको 2GB डाटा डेली मिलता है तो उसका वही लिमिट रहेगा, उसके बाद आप 5G का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन फिलहाल में लोग क्या कर रहे हैं कि उतने ही रिचार्ज में फ्री अनलिमिटेड 5G डाटा का लाभ उठा रहे हैं, जो कंपनी को बहुत बड़ा ट्राई को आदेश मिला है। ये ट्राई को आदेश देने वाला है, मतलब ट्राई को जो है शिकायत करने वाला वोडाफोन आइडिया कंपनी है, जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। तो ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड्स।